नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और सभी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये जो संविदा का नियम है, ये निश्चित रूप से एक काला कानून है और आज का दिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। यदि संविदा पे आप नौकरी देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दीजिए, लेकिन सरकार जो है वो खुद संविदा पे क्यों नहीं आती? सरकार के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? सरकार के लिए कानून अपने लिए क्यों नहीं बनाती है? केवल बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवाओं की आवाज़ को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है निश्चित रूप से, लेकिन कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था और जन्मदिन, मैं आपको अभी ट्विटर दिखाऊंगा कि ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा था प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर। लगभग दोपहर को 1 बजे 1.5 बजे के करीब आप देख सकते हैं यहाँ पर हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर, हैप्पी बर्थडे नमो, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी। लेकिन जस्ट दूसरे नंबर पर आप यहां पर देख सकते हैं राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा था, बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा था, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा था। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और यहाँ पर युवा जन्मदिन की बधाई देने के बजाय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। क्योंकि सरकार द्वारा जो भी कानून इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेकार हैं, बेबुनियाद हैं और इनको बिल्कुल थोपा, युवाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद नंबर 3 पे आप देखिए, 3 पे ट्रेंड कर रहा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, 1.5 बजे की बात है। और वहीं अभी इस टाइम यदि आप देखेंगे शाम को तो 17:17 ये लगभग 5 बजे की बात है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और साथ में नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पूरा दिन आज ट्रेंड किया है। तो निश्चित रूप से जो ट्विटर है, यूट्यूब है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर युवाओं ने डंका बजा दिया है। निश्चित रूप से इसी प्रकार डंका बजाते रहिए। और यहाँ पर एक पॉलिटिक्स यहाँ पर अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर कांग्रेस को बीच में घसीटा जा रहा कि कांग्रेस बेरोजगार है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के ट्वीट किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग ये ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये युवाओं की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ बिल्कुल भी दबेगी नहीं। और आप देख सकते हैं कि पूरा दिन नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे पूरी तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड में रहा है और निश्चित रूप से आगे भी बेरोजगारी को लेकर के ट्रेंड होते रहेंगे। यहाँ पर एक पॉलिटिक्स ये की जा रही है कि कांग्रेस बेरोजगार है, युवाओं की बात को दरकिनार किया जा रहा है और सीधे कांग्रेस पर चीज़ें थोपी जा रही हैं। तो इसको पूरी तरीके से समझना होगा। जितने भी बेरोजगार लोग हैं, निश्चित रूप से जो तैयारी कर रहे हैं, वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं ये नहीं कहता कि सरकार के विरुद्ध आप जाएं सरकार की, लेकिन जो आपकी बात है वो सरकार माने, उसके लिए आपको जो है ट्विटर पे ट्रेंड कराना है, यूट्यूब पे डिसलाइक करना है। निश्चित रूप से ये सारे काम आपको करने हैं। जिस प्रकार आज सरकार को पता चल गया होगा कि इसकी युवाओं में कितनी शक्ति है, देख सकते हैं आप लगातार जो है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में आज रहा है। और मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। निश्चित रूप से बेरोजगारों ने आवाज़ उठाई है, युवा मंच ने जो है पूरी तरीके से धरना किया है। ये प्रतियोगी छात्र हैं जो इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस फोर्स वहाँ पे लगाई गई थी और युवाओं ने बहुत ही भारी संख्या में इसको लेकर प्रदर्शन किया है। और लगातार जो है संविदा का, जब से इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है पेपर में निकाला है, निश्चित रूप से इस पे भारी दबाव सरकार को झेलना पड़ रहा है। तो आप लोग निश्चित रूप से
डटे रहिए, सोशल मीडिया पे डटे रहिए, और जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको दरकिनार करते हुए जितने भी युवा हैं वो सोशल मीडिया पे सक्रिय हों और निश्चित रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करें अपने लिए, अपने देश के लिए। दोस्तों उम्मीद है आप निश्चित रूप से हमारी बात मानेंगे और ये जो काला कानून है इसको सरकार को वापस लेना ही होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।